दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो एक मिनट वाली बनाई थी, तो उसको देखने के बाद में मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इस मॉड्यूल के बारे में और जानकारी चाहिए। दोस्तों ये जो मॉड्यूल है ये दो चैनल का है, एक चैनल तो इस साइड पे है, एक चैनल इस साइड पे है। ये देखो ये वाला एक चैनल हो गया, एक चैनल इसका ये वाला हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या क्या लगा हुआ है और किस तरीके से काम करता है उसके लिए थोड़ा सा मैंने ये इसमें समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने लिखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या है इसमें। जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे हम आम ट्रांजिस्टर आम एम्पलीफायर देखते हैं उसमें 5200 और 1943 का पेयर लगा होता है, लेकिन इस वाले मॉड्यूल में 21194 5200 की जगह लगा हुआ है और 1943 की जगह लगा हुआ है 21193। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर थोड़े से हैवी होते हैं, ज़्यादा वोल्ट के होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसके तुलना में महंगे भी आते हैं। ये देखो ये इसमें लगे हुए हैं। तो थोड़ा और इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें सप्लाई किस तरीके से काम कर रही है। इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये लगा हुआ है डायोड 3060 MUR 3060। ये एक डायोड इधर लगा हुआ है इधर वाली सप्लाई के लिए, ये वाली साइड है पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस साइड पे भी एक डायोड लगा हुआ है वो नेगेटिव सप्लाई के लिए लगा हुआ है, ठीक है। इस साइड पे यहाँ पर ये एक मॉस्फेट लगा हुआ है, ये वाला ये मॉस्फेट लगा हुआ है एक, इस मॉस्फेट का नंबर है 76N25N चैनल, और एक इस साइड पे भी मॉस्फेट लगा हुआ है नेगेटिव साइड पे, उसका नंबर भी 76N25 है एन चैनल, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिटेल में थोड़ा समझाने के लिए मेरे को ये बनाना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर समझाना मेरे लिए मुश्किल होता। तो दोस्तों इसमें जैसे कि ये जो मॉड्यूल है ये टू स्टेप सप्लाई का है, मतलब लो सप्लाई है और हाई सप्लाई है, दो ही सप्लाई हैं इसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें ये दिखा देता हूँ, इस साइड पे ये वाली जो है लो सप्लाई है, ये वाली हाई सप्लाई है पॉजिटिव साइड की, और ये जो है यहाँ पर ये जो है ब्लू वाली जो तार जा रही है ये लो सप्लाई के लिए है और ये हाई वोल्ट के लिए है नेगेटिव साइड वाली, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसको कनेक्शन किए गए हैं। दोस्तों जैसे कि एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, सबसे पहले लो सप्लाई जो होती है ये इस डायोड पे आएगी, ये जो डायोड लगा हुआ है ये पॉजिटिव साइड का ये वाला है, ये पॉजिटिव साइड का है, ये डायोड यहाँ पर लगा हुआ है जो मैंने यहाँ दर्शाया है, ठीक है। लो वोल्ट आएगी इसके एनोड पे, एनोड से जाएगी कैथोड पे, कैथोड से फिर होके इस फ्यूज पे चली जाएगी, ये रहा ये लगा हुआ, और ये जो दोनों जो है ना प्रिंट मिले हुए हैं, तो ये यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आ गई, ये जो लो वोल्ट है ये लिखा हुआ है लो वोल्ट यहाँ पर आएगी, यहाँ से इस डायोड पे आएगी, यहाँ पर इसके एनोड पे, एनोड से फिर कैथोड से होते हुए इस फ्यूज के थ्रू एम्पलीफायर पे जाएगी, ये है पॉजिटिव साइड का, ठीक है। अब इसकी हाई वोल्ट किस तरीके से काम करती है उसके लिए मैंने ये यहाँ पर ये बना दिया है, ये थोड़ा सा मैं नज़दीक कर देता हूँ ताकि ठीक से समझ में आ जाए।
76N25 MOSFET इसमें लगा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर बना दिया है। सिंबल इसका सिंबल नहीं है ये, मतलब सिंबल ही समझ लो। तो जैसे ही ये यहाँ पे लो वोल्टेज मैंने दिखा दी, ये डायोड दिखा दिया, ये वाला जो यहाँ लगा हुआ है 3060 MUR 3060, ये मैंने यहाँ दिखा दिया डायोड, ठीक है। लो वोल्टेज आएगी यहाँ से, यहाँ से आके इस फ्यूज पे जो मैंने फ्यूज बताया वाला फ्यूज ये बना दिया, ठीक है। तो अब इस पे यहाँ से तो ये लो वोल्टेज एम्पलीफायर पे चली गई, और अब इसकी जो है अब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हाई वोल्टेज काम करने के लिए ये मॉस्फेट लगाया गया है 76N25। तो हाई वोल्ट जो है, ये जो हाई वोल्ट है जो कंडेंसर से आ रही है, कंडेंसर से या ट्रांसफार्मर से होके आ रही है यहाँ पर, तो ये इसके ड्रेन पे आएगी, मॉस्फेट के ड्रेन पर, ठीक है। और सोर्स से आउट होगी और जाएगी सीधे फ्यूज पे, मतलब ये हाई वोल्टेज यहाँ से होके इस मॉस्फेट के थ्रू यहाँ पर आ गई फ्यूज पे, और लो वोल्टेज जो है यहाँ से इस डायोड के थ्रू यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर तो हाई वोल्ट आ रही है, यहाँ से आ रही है लो वोल्ट, तो इन दोनों को ना मिलने के लिए ये डायोड यहाँ पर इसे लगाया जाता है कि जो हाई वोल्ट है ये यहाँ से इस साइड पे ना जाए, क्योंकि डायोड का काम होता है ये एनोड से कैथोड की ओर सप्लाई तो जाने देगा और कैथोड से एनोड की ओर नहीं जाने देगा। ये कैथोड लिखा हुआ है, ये एनोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी, यहाँ से वापसी इधर को नहीं आएगी, मतलब हाई वोल्ट जो है इधर को नहीं आएगी, ये आगे ही जाएगी एम्पलीफायर की तरफ, ये इसलिए लगा होता है। और दूसरी बात, इसका जो ये गेट बना हुआ है, ये इसका गेट है मॉस्फेट का, इसमें तीन टांगे होती हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो गेट पे इसके एक ताली अड़ताली लगा हुआ है, एक रिक्शन लगी हुई है, ये जो जा रही है ये 5532 के पिन नंबर 8 पे जा रही है, ये वाली पॉजिटिव साइड की, ठीक है। तो जैसे जैसे गेट पे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे ये हाई वोल्ट जो है ड्रेन से लेके सोर्स को देगा और सोर्स से यहाँ पर आएगी, और जैसे जैसे वॉल्यूम हम बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ की इस गेट की वोल्टेज बढ़ेगी और ये सोर्स से सप्लाई लेके, ड्रेन से सप्लाई लेके सोर्स को देगा और यहाँ से आवाज़ तेज करने के अनुसार उसको वोल्टेज मिलती जाएगी इस एम्पलीफायर को, ठीक है। इसी प्रकार ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव साइड का पोर्शन। नेगेटिव साइड में भी वही सिस्टम है, यहाँ पर ये लो वोल्ट है, ये देखो ये लो वोल्ट है, ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ये डायोड का कैथोड है, ये इसका एनोड है। तो लो वोल्ट नेगेटिव यहाँ से आएगी, यहाँ से इसके अंदर जाएगी, यहाँ से होके इधर आ जाएगी, ये फ्यूज से होके ये एम्पलीफायर पहुँच गया और एम्पलीफायर आपका ऑन हो गया। इधर से नेगेटिव आ गई, इधर से पॉजिटिव आ गई, एम्पलीफायर आपका ऑन हो गया। अब जब हम ज़्यादा वोल्ट ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं तो उसको सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो जैसे वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो सप्लाई ज़्यादा एम्पलीफायर को मिलते रहे, उसके लिए ये मॉस्फेट लगाया जाता है ताकि वॉल्यूम बढ़ाते जाएं तो उसको वोल्टेज भी ज़्यादा हाथों हाथ मिलते रहे। उसके लिए ये नेगेटिव साइड का मॉस्फेट लगा हुआ है, ये पॉजिटिव साइड का मॉस्फेट लगा हुआ है। तो इसके गेट पे भी इसी प्रकार 5532 IC लगा हुआ है, ठीक है। 5532 IC के थ्रू ये पिन नंबर 4 पे लगा हुआ है, वो वाला पिन नंबर 8 पे लगा हुआ है। ये अलग IC है, ये अलग IC है, दोनों चैनल के लिए, दोनों साइडों के लिए अलग 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 IC लगे हुए हैं। ये वाला नेगेटिव साइड के लिए एक IC लगा हुआ है 5532, ये पॉजिटिव साइड के लिए एक IC लगा हुआ है 5532। अभी मैं मॉड्यूल में दिखा देता हूँ, ये लो, ये जो है मॉड्यूल में ये लगा हुआ है, देखो एक IC ये लगा हुआ है, ये पॉजिटिव साइड के लगा हुआ है 5532, और एक ये लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइड के लिए 5532 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला IC अभी इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे इसका क्या है, ठीक है। तो वही सिस्टम है यहाँ पर भी, ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से आएगी यहाँ पर, ये फ्यूज के थ्रू एम्पलीफायर से होकर चली जाएगी,
जैसे जैसे हम अपन वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे इसके गेट पे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या करेगा ये ड्रेन से पे जो हाई वोल्ट मिल रही है इसको नेगेटिव, ये यहाँ से आ रही है, इस पे जो हाई वोल्टेज आ रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये यहाँ से लेगा, इसके सोर्स को दी हुई है, इसका जो है सोर्स को हाई वोल्ट दी हुई है, ये है इसका इनपुट, ठीक है, इसके सोर्स को इनपुट दी जाएगी और जैसे अपन गेट पे इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये सोर्स से लेगा और ड्रेन को देगा, ड्रेन से इसके फ्यूज पे पहुंचेगी। मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क होता है 76 25 मॉस्फेट, इधर भी 76 25 मॉस्फेट है, नेगेटिव साइड पे जब काम करता है तो इसको इसके सोर्स को सप्लाई दी जाती है, ठीक है, सोर्स को दी जाएगी और आउट होगी ड्रेन से, और पॉजिटिव साइड पे ड्रेन को सप्लाई दी जाएगी और सोर्स से सप्लाई बाहर जाएगी एम्पलीफायर के लिए। तो ये इसमें ये सिस्टम होता है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं खुद बताने में भूल रहा था इसलिए मैंने चित्र भी बनाया ताकि भूलूँ ना। तो यही है कि ये जो इसका सोर्स होता है ना, सोर्स ये इसका सोर्स को इसको वोल्टेज हाई वोल्ट दी जाती है और ड्रेन से आउट ली जाती है, फ्यूज पे आ रही है, और इस वाले पे पॉजिटिव वाले साइड पे ड्रेन पे हाई वोल्ट दी जाती है और सोर्स से आउट सप्लाई आउट दी जाती है, आउट होती है जो एम्पलीफायर को जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो थोड़ा सा मैंने बना दिया है, ये गेट ट्रांजिस्टर लगा दिया, ये वाला जो है NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, मतलब 5200 की तरह है, और ये वाला PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये 1943 समझ लो आप इसको, ठीक है। और इसके में बहुत सारे ट्रांजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं लेकिन मैं सारा नहीं बना पाया, मैंने एक ही बनाया सिर्फ समझाने के लिए। इसके पैरेलल में सेम ऐसे लगते जाएंगे, फिर उसका बेस जो है चला जाएगा ड्राइवर पे, ये नेगेटिव साइड का ड्राइवर, ये पॉजिटिव साइड का ड्राइवर, सिग्नल पीछे से मिलेगा आउट करके, ये इसको बाहर कर देगा सिग्नल को। सिग्नल बाहर कहाँ से जाएगा, इसका जो है ना यहाँ पर ये कलेक्टर इसका अर्थ है और यहाँ से इसका कलेक्टर ये अर्थ है, जब कलेक्टर इसका भी अर्थ है इसका भी अर्थ है तो ये जो है आउट कहाँ से करेगा। तो इसी का हिसाब बनाने के लिए हमने देखा, इसको ट्रेस किया, तो ये जो है यहाँ से ये यहाँ पर आउट हो रही है इसकी, ये कंडेंसर लगा हुआ है, तो ये जो सिग्नल है सिग्नल को आउट करेगा यहाँ से। कंडेंसर का काम क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई को DC सप्लाई को पास नहीं होने देता और AC सप्लाई को पास होने देता है, तो यहाँ पर जो सिग्नल होता है वो AC में कन्वर्ट हो जाता है, AC सिग्नल जो होता है यहाँ से पास हो जाएगा और यहाँ से आएगा इधर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड से जो सिग्नल जनरेट होगा वो यहाँ से इस कंडेंसर के थ्रू यहाँ से पास होके यहाँ पर आ जाएगा, इधर से कंडेंसर का नेगेटिव पॉइंट आ गया, इधर से पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और ये दोनों मिलके यहाँ से आउटपुट बाहर स्पीकर के लिए दे देंगे। ये जो ब्लैक लिखा हुआ है ब्लैक तार, इसमें देखो इस मॉडल में ये रही, ये जो ब्लैक तार है ये जो है इसकी सप्लाई वाले सप्लाई में जाके मिल जाती है, जाके वहाँ पे कंडेंसर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, ये जाके ये वहाँ से आउट होके वापस आ रही है कंडेंसर के थ्रू ये आएगी यहाँ से वापस इस कॉइल पे, ठीक है, इस कॉइल के बाद में ये जाएगी, ये जो आपका जो हर एक उसमें एम्पलीफायर में लगा होता है रिले, ठीक है, जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो सिग्नल जो है यहाँ से आउट करेगा, ये यहाँ से आउट कर देगा स्पीकर के लिए, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया और ये यहाँ से आउट हो जाएगा, स्पीकर की तार यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा करके उल्टे लगा देंगे ना तारें तो उसी टाइम पे ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, मतलब एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। स्पीकर की तार जो अर्थ होनी है वो अर्थ ही करनी है और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव पे ही लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और
जैसे अपन देखते हैं जो जैसे सी 18 में LM 311 IC लगा होता है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है और मॉस्फेट को कुछ सिग्नल वोल्टेज देता है। ठीक उसी प्रकार ये वाला जो है ये वाला IC 5532, ये वाला जो है ये पॉजिटिव साइड के लिए काम कर रहा है, ये नेगेटिव साइड के लिए काम कर रहा है। इसके बारे में वो डिटेल में वीडियो में बना दूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी इसकी मिल सके। मुझे लगता है लगभग मैंने इसका काफ़ी कुछ बता दिया है। ठीक है तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आती है, अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कराएं, आगे बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। कमेंट करें, कोई चीज़ बात पसंद समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन दे सकूं। और मैंने ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट कर रखी हैं, किसी भाई को अगर ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ताकि मैं उसको उससे मैं बात कर सकूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।